तो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। सो एक क्वेश्चन जो कि बार बार अगेन मेरे पास आ रहा है एंड दैट इज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। सो वंस अगेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज करंट अफेयर्स। सो जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के हैं कि यार कैसे करंट अफेयर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिगार्डिंग दैट बेसिकली यू गाइज आर फीलिंग स्ट्रेस्ड व्हाइल स्टडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स है ये क्यों इतना स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्या रीजंस है इसके स्ट्रेसफुल होने के, इसकी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे एंड उन स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव आइडेंटिफाइड द फाइव रीजंस ऑफ दिस स्ट्रेस व्हाइल स्टडिंग द करंट अफेयर्स। इन पांचों रीजन को अगर हम समझ लेंगे और इनका सोल्यूशन डाल लेंगे तो आई बिलीव थोड़ा सा आसान हो जाएगा करंट अफेयर्स को पढ़ना। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ स्ट्रेस व्हाइल स्टडिंग करंट अफेयर्स। एंड बिलीव मी, यही वो पांच रीजंस है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है व्हाइल स्टडिंग द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है दैट इन करंट अफेयर्स देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट। बहुत सारा कंटेंट है जो कि हमें पढ़ना होता है करंट अफेयर्स में, बहुत ही सारा कंटेंट। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डेज की ही बात करता हूं तो हर जानवर का एक डे है, एलिफेंट डे, लायन डे। अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों का डे है मेंस डे, देयर इज मेंस डे, देयर इज वुमेंस डे, then there is international girl child, then there is national girl child day, everything is there। ठीक है, और अगर इन डेज में जाए तो सब्जेक्ट्स का भी डे है, नेशनल साइंस डे है। सो डेज की अगर हम बात करें तो देर आर 200 to 250 डेज इन अ ईयर विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द रिपोर्ट्स, सो देर आर अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स विच यू हैव टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। वी हैव ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वी हैव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वी हैव करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, we have multidimensional poverty index, and then there are various national reports, and then we have to study budget and economic survey as well, and then jo baki annual surveys hote hain, national family health survey, periodic labor force survey, right, census. So there are a number of reports and annual surveys that you have to study for the examination. And if I talk about the schemes, 200-250 schemes hain jo ki aapko cover karni hai. So pehla reason jo stress ka aa jata hai while studying the current affairs, that is कि जो कंटेंट है वो बहुत सारा है कवर करने वाला। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू कवर। सो व्हाट इज द रीजन, हाउ वी कैन रिड्यूस, हाउ वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ लॉट ऑफ कंटेंट। सो द व्हिच आई थिंक जो सबसे बेस्ट तरीका है इस वाले स्ट्रेस को रिड्यूस करने का, दैट इज रैशनलाइजिंग द कंटेंट। आपको अपने कंटेंट को रैशनलाइज करना पड़ेगा। व्हिच मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजिंग द कंटेंट हियर। सी, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है, तो देर आर 80 questions asked in the phase 1 from GA, ठीक है, GA से 80 question पूछे जाते हैं। And if I talk about the important days, तो कितने questions होंगे? एक question या दो question? Maximum दो question, दो भी नहीं होगा, एक ही question होगा जो कि important days से होगा। Now I'm not saying कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर आपके पास time होगा तो definitely करके जाना, but let's create a situation जब आपके पास notification आ गया है and you are आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, देन व्हाट कैन यू डू, यू कैन रैशनलाइज योर कंटेंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अगेन अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन क्या लगता है कितने क्वेश्चंस होंगे? एक क्वेश्चन होगा। तो उस एक क्वेश्चन के लिए आपको 200-250 डेज और उनकी थीम याद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लीव दैट, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं छोड़ने के लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स इज नेवर 100 on 100। You can never score 100 on 100 or 50 on 50 or 100% marks in current affairs. आप score कर ही नहीं सकते, because कई questions ऐसे definitely होंगे वहां पे जो कि किसी को भी नहीं आते होंगे। ठीक है, तो आप इस content को rationalize कर सकते हो according to your examination, आपका जो भी आप exam देना चाहते हो, whether it is RBI, whether it is NABARD, whether it is SBI, PO, SSC, CGL, any exam, तो उस हिसाब से आप अपने content को rationalize कर सकते हो with the help of past year papers, कि किस किस तरीके के questions आते रहे हैं। एंड बेस्ट एग्जाम्पल वही है इंपॉर्टेंट डेज का, एक से ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, या मैक्सिमम आएंगे तो दो आएंगे। तो अगर आप उनको छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस नहीं है, बाकी चीजों पे एक्सेल करो। ऑलराइट, नंबर वन इज दिस। नंबर टू, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है बहुत सारे टॉपिक्स में, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है इन वेरियस टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगेन मैं डेज का ही एग्जाम्पल फिर से पकड़ के चलूं, तो गर्ल चाइल्ड के लिए दो डेज है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड देन वी हैव अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग भी निकालता है और वर्ल्ड बैंक भी निकालता है, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो अभी मेरे दिमाग में ये दो आ रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट। अगेन हिंदी डे, वी हैव एन इंटरनेशनल हिंदी डे, देन वी हैव नेशनल हिंदी डे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, विच अगेन
become a reason of stress while studying current affairs, but how to deal with it? इसके साथ कैसे deal कर सकते हैं? I believe इसके साथ deal करने का जो best तरीका है, that is continuous revision. बार बार revision करोगे तो वो जो confusion है वो अपने आप ही निकल जाएगी. And एक और तरीका है कि आप कोई story create कर सकते हो अपने mind में जो कि उस confusion को दूर कर सकती है. For example, International Hindi Day क्यों मनाया जाता है एंड वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाया जाता है. अगर आपको क्यों समझ में आ जाएगा तो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स और उससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सकती है. ऑलराइट, दिस इज नंबर टू. देन वी हैव नंबर थ्री विच इज नॉन फेमिलैरिटी विद टॉपिक्स. अब इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, तो एनीथिंग रिलेटेड टू साइंस आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एज कंपेयर टू अ another student who belongs to a humanity background or commerce background. For example, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई space से related कोई news आई है, ठीक है, for example space से related कोई news आई है और उसमें gravitation की बात हो रही है, ठीक है, या फिर solar system की ज्यादा deep बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें मैं already पढ़ चुका हूं, तो I can understand it better, ठीक है, as compared to a student जो कि किसी और stream से है, humanities से या commerce से. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी ऐसे ही रैंडमली लिखा आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो आई नो दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बिकॉज आई बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड, ठीक है. बट कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी देखा ही ना हो या फिर बहुत पहले देखा है, 8, 9, 10 में देखा है, उसके लिए तो ये बवंडर हो जाएगा, वो सोचेगा भाई कैसे करें. तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, नॉन फेमिलैरिटी विद टॉपिक्स से जो स्ट्रेस आपको क्रिएट हो रहा है, इसका बेस्ट तरीका है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कभी भी करंट अफेयर्स में कोई बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं, यू नो दिस, ठीक है, वो एक करंट अफेयर्स है. या फिर अगर मैं एक ब्रॉड टर्म ले, जनरल अवेयरनेस है, विच इज जनरल फॉर एवरीवन, ठीक है, तो अगर जनरल फॉर एवरीवन है तो यू गाइस कैन ऑल्सो बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. और वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन अ साइंस स्टूडेंट और अ कॉमर्स स्टूडेंट, और कोई ऐसे फैक्ट्स भी होंगे, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आते हैं, साइंस के वाले को अच्छे से नहीं आते, तो साइंस वाला स्टूडेंट कैन बिल्ड द कॉन्सेप्ट और वो उसके बराबर आ सकता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द स्ट्रेस. नंबर फोर इज अनदर रीजन ऑफ स्ट्रेस, दैट इज मल्टीपल सोर्सेस. यू गाइज आर फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेज टू स्टडी करंट अफेयर्स बिकॉज आपको ये लगता है कि अगर मैं किसी एक टीचर से कवर करके जाऊंगा और उसने कोई टॉपिक छूट गया उससे, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. सी, इट इज वेरी नेचुरल, कोई भी टीचर होगा, चाहे मैं हूं या कोई भी और टीचर है, तो उससे गलतियां तो होगी, देयर इज अ स्कोप ऑफ एरर, तो हो सकता है एक दो टॉपिक छूट जाए. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दोज लेफ्ट आउट टॉपिक्स, जो वो टॉपिक छूट गए हैं, आर नेवर द रीजंस ऑफ योर नॉन सिलेक्शन, कैन नेवर बी द रीजंस फॉर योर नॉन सिलेक्शन. Because again, you don't have to score 100% marks, no? आपको 100% marks तो score करने नहीं है. And every teacher tries his or her best to give the best content to you. तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारा content छूट गया. And of course, you have to, you know, identify कि आप कौन से teacher से अच्छा समझ सकते हो, अच्छा पढ़ सकते हो. That is up to you. तो you have to keep a faith on teacher, जो भी आपके teacher है, जिनसे भी आप current affairs पढ़ रहे हो, उनके ऊपर आपको faith रखना पड़ेगा कि ठीक है, मैं इन्हीं से पढ़ूंगा. आप किसी से भी पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ो, चाहे किसी और चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको फेथ करके चलना पड़ेगा. और मल्टीपल सोर्सेस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है. एंड देन फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर टू स्टॉप. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की बात करूं, तो अगर उस पर पढ़ना चाहे तो एक महीना तो हम उसी पर पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, या तो फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ, अगर हम उसके ऊपर पढ़ना चाहें तो एक महीने तो हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ सकते हैं. बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेयर यू हैव टू स्टॉप व्हाइल स्टडिंग करंट अफेयर्स, कहां पे आपको रुकना है जाके, ठीक है, बिकॉज आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाए, आप बिल्कुल सर्वज्ञानी हो जाए, परम ज्ञानी हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको ब्रेक्स कहां पे लगाने हैं. अगर आपने ब्रेक्स नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि There is an ocean of content. जो content है वो बहुत सारे हमने पहले discuss किया, तो अब इतने सारे content में you should understand that where you have to stop. Otherwise, देरी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है. अब इसके लिए solution यही है कि again, जो आपके जो भी mentor हैं, जो भी teacher हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सालों का experience है उस चीज का, तो उस experience का आप इस्तेमाल करो.
देखो आपको नहीं पता कि पेपर में कितना डीप जाएगा, बट दैट मेंटर दैट टीचर नोज वेरी वेल कि कोई भी एग्जामिनर कितना डीप जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्यों नहीं, आप उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हो, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो अननेसेसरी, ऑलराइट। सो आई बिलीव दीज आर द फाइव रीजंस जो कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त स्ट्रेस क्लियर करते हैं, क्रिएट करते हैं, एंड जो सॉल्यूशंस मैंने बताए, आई होप आपको वो सॉल्यूशंस क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको किसी रीजन की वजह से स्ट्रेस होता है व्हाइल स्टडीइंग करंट अफेयर्स, तो आप प्लीज कमेंट में लिख के बताएं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कमेंट में लिख के बताऊंगा, ऑलराइट। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।